तो क्या दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है और आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसी फ़ोटो लें और वो लगे ऐसे कि जैसे बिल्कुल रियल है, आपने किसी अपने स्पेशल पर्सन के साथ वो फ़ोटो ली। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सबको एक ऐसी ही अमेजिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऐप को ओपन करें और यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा 5 से 10 सेकंड के लिए। और यहाँ पर जो है हमारी ऐप ओपन हो चुकी है और हमने स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हमसे पूछा जा रहा है कैमरे या गैरी। हमने गैरी के बटन पर क्लिक करके यहाँ से हमने जो है अपनी कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोटो है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट वाली मेरे एक फ्रेंड की फ़ोटो है तो मैं इसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से जो है हमारे पास ऑप्शन रहने चाहिए, वहाँ से हमने गर्ल्स सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर हमने जो है गर्ल्स का कोई भी एक स्टिकर जो है सेलेक्ट कर लेना है। और ये स्टिकर नहीं है, बिल्कुल एक रियल टाइप गर्ल्स है। तो मैं यहाँ मुझसे एक फ़ोटो सेलेक्ट करके इसको जो है अच्छे से एडजस्ट करूँगा यहाँ पर। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट्स का बटन है, तो हम यहाँ पर यहाँ से कोई भी जो है इफेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, जो हमें अच्छा लगे। तो हम जो है यहाँ से इफेक्ट देखते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा हम उसी को यूज़ करेंगे। और यहाँ से जो है हमारे पास इंटर टेक्स्ट का बटन है, यहाँ से हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम जो है कोई भी फ्रेंड जो है वो स्टिकर लगा सकते हैं। अब हमें सेव करने के लिए हमने जो है यहाँ पर आपके पास कॉर्नर में एक बटन अवेलेबल होगा, हम वहाँ से जो है इस फोटो को इजीली सेव कर पाएंगे अपनी गैलरी में। यहाँ से हम रिमाइंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने बैक जाना है। और जैसे ही हम बैक जाएंगे तो यहाँ पर जो हमने फिर से बैक प्रेस करना है। और बैक जाने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा एल्बम का। एल्बम पर क्लिक करते ही हमने क्या करना है, यहाँ से अपने उसी फ़ोटो को ओपन करना है। और मैं वाईफाई को जो है वो ओपन करूँगा। और यहाँ से जो हमने शेयर के बटन पर क्लिक करके हमने अपने किसी भी फ्रेंड को जो है वो व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा ये फ़ोटो जो ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव हो जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह से जो है आप भी बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ बना सकते हो और अपने फ्रेंड्स को जो है वो सेंड कर सकते हो। और यहाँ पर देखें, आपको ये टेक्स्ट मिलता है तो आप इसको जो है मतलब जो है वो इरेज कर दें, ख़त्म कर दें। और उसके बाद जो आप किसी को भी सेंड कर दें। ये देखें, आपके सामने जो फोटो सेंड हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने और भी बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ बनाई थी। बहुत ही कमाल का ऐप है, आप भी इस ऐप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस ऐप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी और वीडियोज़ को जो है हासिल करना चाहते हो तो आप बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप हमारे किसी भी नई अपडेट को मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।